हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नूरुद्दीन फैशन डिज़ाइनर। दोस्तों आज हम 35 इंच चेस्ट की कोट की कटिंग कर रहे हैं, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिए ताकि आने वाली कटिंग की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों नाप आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। लेंथ इनकी 28.5 है, चेस्ट सीना 35.5 है, स्टमक पेट 33.5 है, हिप 36 इंच है और शोल्डर 17.5 इंच है, स्लीव आस्तीन 22 इंच है और इनकी पीछे की हाफ बैक जो है 15 इंच है। दोस्तों कपड़ा हमने देखिए 170 लिया हुआ है। दोस्तों पहले हम बैक की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को देखिए एकदम ऐसे हमने बराबर इसको रख लिया है। अब हम एल स्केल से स्केल को इस कोर पे हम ऐसे एकदम ऐसे रखेंगे, एकदम ऐसे बराबर, ऐसे बराबर रख के पहले एक सीधा निशान लगाएंगे ऐसे। इसके बाद हम इसमें दाब रखेंगे जितना हमको देना है, 1.5 इंच, 1.25 इंच, 2 इंच, जितना आपको देना है उतना आप रख के एक निशान लगा दीजिए। हम 1.25 इंच का दाब रख दिए हैं। इसको भी हम एकदम सीधा कर लेंगे। ऐसे अब हम लंबाई का निशान लगाएंगे। लंबाई देखिए 28.5 है, तो 28.5 को हम इस निशान पे रखेंगे ऐसे। इंची टेप को देखिए एकदम ऐसे सीधा रखेंगे। सीधा रख के पहले ऐसे निशान लगा देंगे। अब देखिए हम आर्मोल का मोढ़े का निशान देखिए लगाएंगे। सीना देखिए 35.5 है, तो इसका चौथाई करेंगे, 9 इंच, 1 सू कम आएगा तो हम 9 इंच पे ही निशान लगा देंगे। 9 इंच हो गया और इस निशान से 1.5 इंच ऊपर एक निशान लगाएंगे, ये 1.5 इंच हो गया। अब हम स्टमक का निशान लगाएंगे। स्टमक का निशान देखिए हम 16 पे लगाएंगे। 16 पे देखिए अगर हम लंबाई देखिए 28.5 है, तो इसका आधा करेंगे 14 इंच आएगा। इसमें 2 इंच, 2.25 इंच ऐड करके निशान लगा लेंगे, तो हम इसमें 2 इंच हम ऐड करके निशान लगा लेंगे। अब हम देखिए सारे निशान को पहले सीधा कर लेंगे, एकदम सीधा रहेगा ये। दोस्तों निशान देखिए सारा सीधा हो गया है। अब हम देखिए यहाँ नीचे से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम जो है 1.25 इंच पहले एक निशान लगाएंगे, यहाँ पर भी हम 1.25 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ पर हम 1.25 इंच पे हम निशान लगाएंगे, ये 1.25 इंच हो गया। यहाँ पे हम 1.25 इंच पे निशान लगाएंगे और अब देखिए सारे निशान को हम मिला लेंगे। पहले इसको हम ऐसे सीधा निशान लगाएंगे ऐसे, शेप स्केल से स्केल को हम ऐसे रखेंगे, ऐसे रख के ऐसे और इसको ऐसे घुमा के हम ऐसे निशान देखिए लगाएंगे ऐसे। देखिए ये निशान ये लग गया है। दोस्तों ये निशान देखिए ऐसे शेप में लगता है। बॉडी का जो है शेप को हमको देखना भी होता है, सबकी बॉडी अलग अलग तरीके की होती है, तो उसी हिसाब से हमको ये शेप देना है। ये शेप का भी बहुत अहम रोल होता है। सब कस्टमर का अलग अलग शेप आता है, तो उसी हिसाब से हमको शेप भी देना पड़ता है। अब चलिए हम हाले का देखिए निशान लगाएंगे।
तो हाल एक निशान देखिए कैसे लगाएंगे, सीना देखिए इनका 35.5 है, तो हम अब जितना भी हम इसमें निशान लगाएंगे सब 36 के हिसाब से ही लगाएंगे। तो इसका हम 12वां भाग करेंगे, 12 यानी 36, तो 3 इंच आएगा। 3 इंच पे देखिए हम ऐसे निशान लगा लेंगे, ये देखिए 3 इंच हो गया, और इस सीधे वाले निशान से 1 इंच ऊपर एक निशान पहले ऐसे लगा लेंगे। इसको हम ऐसे सीधा कर लेंगे, सीधा करके इसको हम मिला लेंगे ऐसे। अब हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर देखिए 17.5 है, पहले हम इसका आधा करेंगे तो 9.25 इंच आएगा, और इसमें आधा इंच सिलाई का ऐड करके 9.25 पे हम निशान लगा देंगे। ये देखिए 9.25 इंच हो गया। अब हम ये सीधे वाले निशान से पहले 1.25 इंच पे हम एक ऐसे निशान लगा लेंगे और इसको हम मिला लेंगे। देखिए शेप स्केल से हम इसको ऐसे मिला लेंगे ऐसे। अब देखिए हमने बैक नापी है 15 इंच, तो 15 का पहले हम आधा करेंगे, 7.5 इंच आएगा, इसमें आधा इंच और ऐड करके 8 इंच पे हम ऐसे निशान लगा लेंगे। दोस्तों अब हम पेट का देखिए निशान लगाएंगे। पेट देखिए 35.5 है, तो इसका जो 6वां भाग करेंगे तो 5.5 इंच एक सूद आएगा, इसमें सिलाई का ऐड करके 6 इंच पे हम इसको ऐसे निशान लगा देंगे। अब हम हिप का देखिए निशान लगाएंगे। हिप देखिए हिप का जो है 6वां भाग करेंगे, 36 इंच हिप है, इसका 6वां भाग करेंगे, 6×6=36, इसमें भी आधा इंच बढ़ा के 6.5 इंच पे हम देखिए ऐसे निशान लगा देंगे। अब हम सारे निशान को देखिए मिला लेंगे। ऐसे इसको भी हम मिला लेंगे। दोस्तों निशान देखिए ये दोस्तों साइड चाक का हम निशान लगाएंगे। साइड चाक हम 7 इंच रखेंगे, 7 इंच हो गया, और यहाँ से देखिए 1.5 इंच, यहाँ से भी 1.5 इंच। अब हम इसको भी मिला लेंगे, ये हो गया, और यहाँ पे इतना दाब रख देंगे। निशान देखिए दोस्तों ये पूरा लग गया है। अब चलिए हम इसकी कटिंग कर देते हैं। दोस्तों बैक की कटिंग देखिए पूरी हो गई है। कटिंग की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन कर दीजिएगा ताकि आने वाली कटिंग वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।